Hello student, today is your next topic is network interface card. जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हम कंप्यूटर के साथ एक लैन केबल जोड़ते हैं. लाइक हम youtube.com यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इसे यूज़ करना है. ये लैपटॉप या कंप्यूटर में जुड़ती है, इस तार को हम मेल RJ45 या फीमेल RJ45 भी कहते हैं. इन दोनों को ही हम यूज़ करते हैं NIC के रूप में यूज़ करने के लिए. देखो ये है आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. जो ये डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है, ये प्लेट इसके साथ जुड़ता है, ठीक है. उसके बाद है आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस तरह से दिया हुआ है. ये इसकी इनबिल्ट डिज़ाइन है, अंदर की डिज़ाइन है, जिसे हम जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है हम कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंट्रोलर भी कहते हैं, नेटवर्क अडेप्टर भी कहते हैं, लैन अडेप्टर भी कहते हैं. और ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी, मतलब तार के साथ भी, बिना तार के भी. NIC की वर्किंग देखेंगे हम कि कंप्यूटर्स आपस में हैं, आपस में जुड़े हुए हैं. अगर हम वायर्ड NIC को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, जैसे वाईफाई में जुड़ने के बाद इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं. तो यहाँ पर है वायरलेस NIC, ये होता वायर्ड, होता वायरलेस. वायरलेस का एग्जाम्पल है, लाइक हमने दो फ़ोन को वाईफाई से जोड़ दिया. अब इसमें हम कोई वायर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या, वायरलेस NIC. तो इसमें इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं. तो इंटरनेट के साथ ये दोनों जुड़ते हैं, वायर्ड और वायरलेस. लाइक आप अपने कंप्यूटर में YouTube से वीडियो देख रहे हो. कैसे देख रहे हो, किसकी वजह से देख रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है, NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तभी आप इंटरनेट की वीडियो को यहाँ पर आसानी से देख सकते हो. क्लियर है. इसके बाद है ये वायर्ड NIC भी हो सकता है और वायरलेस NIC भी हो सकता है. तो ये आपका टॉपिक हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अब सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सेकंड टॉपिक है आपके पास मॉडम. मॉडम है, मॉडम हम यूज़ करते हैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, यूज़ करने के लिए. इंफॉर्मेशन हम इसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडम. इंटरनेट से इंफॉर्मेशन हम ढूंढ सकते हैं. इसके बाद है आपके पास सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में देखो क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को चेंज करना कंप्यूटर की फॉर्म में और कंप्यूटर से हमारी फॉर्म में. लाइक एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग. एनालॉग होता है वो रुक रुक के चलता है, डिजिटल फ्लोस चलता है. तो मॉडम क्या करता है, मॉड्यूलेशन का काम, यानी एनालॉग से डिजिटल में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है. डीमॉड्यूलेशन डिजिटल से एनालॉग में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है. तो ये मॉडल की वर्किंग है. मॉडल की वर्किंग आगे है, जो कंप्यूटर की फॉर्म एनालॉग डिजिटल मतलब 0 और 1 कंप्यूटर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है. इसी तरीके से यहाँ पर डायग्राम में भी बता रखा है कि किस तरह से सिग्नल मॉडम पर जाते हैं और मॉडम से कंप्यूटर के पास हमारे जो सिग्नल है वो पहुँच जाते हैं. और इसी तरीके से कंप्यूटर से मॉडम, मॉडम से हमारे पास. आगे हम देखेंगे मॉडम का एक डायग्राम देखेंगे. डायग्राम में देखो यूज़र है, यूज़र की इंफॉर्मेशन एनालॉग मॉडम के पास जाकर, मॉडम से किस में बन गई, डिजिटल में, डिजिटल से फिर डीमॉड्यूलेट होकर कंप्यूटर के पास दोबारा पहुंच गई.